मारा है रॉकी भाई। ये कबूतर को मैं ट्रेन कर रहा था, बाकी बिल्ली ने। चैनल को सब्सक्राइब करने का सही तरीका, घंटी को ऑल करें, जब भी हमारी वीडियो आपके पास पहुंचेंगी। देखो कभी आपके कबूतरों में आंखों का वायरस कभी आ जाता है, एक एक करके आपके कबूतर, एक कबूतर वायरस आया आंखों में, दो कबूतर, तीन कबूतर, चार कबूतर, और ऐसे करते करते आपके पूरे जाल में 50-100 कबूतर आंखों के वायरस में घिर चुके। और भाई दो आंखों की जब वायरस, जब बीमारी कबूतरों में फैलती है ना, तो कबूतर आंखों के वायरस के बाद में कबूतर लकवे में चले जाता है, सीधे के सीधे टेढ़ी में चले जाता है। भाई ये हमारे साथ भी हो चुका है, और उस वक्त जो भी हमारे साथ में हुआ था ना, तो हमने खाली एक मेडिसिन सिर्फ 3 दिन दिए थे कबूतरों को, पूरे कबूतरों में से आंखों का वायरस बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया था। सिर्फ 3 दिन भाई, सिर्फ मैंने 3 दिन दिया था, मेरे को रिजल्ट मिल गया था। बाकी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो भाई, वो मैं आपको टॉनिक भी बताऊंगा, साथ ही भाई मेरा ये नया चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें और सही तरीके से घंटी को ऑल करें, तभी भाई मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। क्योंकि भाई इस चैनल के ऊपर भी मैं कबूतरबाजी को लेते हुए एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सिर्फ आप भाइयों के लिए। दिल से सपोर्ट करें, करना है तो भाई, नहीं तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब जैसे कि हमारे पास इसी चैनल के ऊपर नए वाले चैनल पे कमेंट आई थी कि वैसे मेरी हमारे कबूतरों के पूरे कबूतर में वायरस फैल चुका है, हमारे पूरे कबूतर आँखों की बीमारी में आ रही है। तो आँखों की बीमारी तो कई तरीके की आती है, जैसे आँख में से बार बार पानी आना, आँख में कीचड़ जम जाना, आँख चिपचिपी हो जाना, और आँख के जो आसपास जो कबूतर के जो बाल होते हैं पूरे चिपचिप हो जाते हैं, आँख बंद हो जाती है, और कबूतर खाने पीना छोड़ देता है, और कुछ ही दिनों में कबूतर लकवे में टेढ़ी में चले जाता है। ये बीमारी अधिकतर हो रही है भाई के साथ में, और ये बीमारी नहीं है भाई, ये वायरस है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, बीमारी एक कबूतर को होती है, दो को होती है, वायरस सबको होता है। और मैं आपको पहले वो मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको कुछ आपको राय देना चाहता हूँ भाई, कि जैसे कि आपने एक कबूतर को देख लिया कि हमारा एक कबूतर आंखों की बीमारी में आ गया, वायरस में आ गया, फौरन उसी वक्त उसको अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर दो जाल में, आप अलग उसको इलाज करो। और भाई मैंने कभी आपके एक कबूतर में वायरस बीमारी हो रही है, मैंने एक मेडिसिन बताया हूँ ये चैनल पे, ये वीडियो पूरी देख लो, और मैंने उस वीडियो में बताया हूँ कि 24 घंटे के अंदर ही आपका कबूतर सही हो जाएगा। कभी एक कबूतर को रही है उसमें मैंने आपको दो मेडिसिन बता के रखा हूँ, ये वीडियो पूरी देख लो। पूरी देखने के बाद में आखिरी में डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, वीडियो की लिंक है, कमेंट बॉक्स में वीडियो की लिंक है, वहाँ जाके वो वीडियो भी देख लेना। और एक कबूतर में हो रही है तो फौरन चुटकी में वो कबूतर सही हो जाएगा, एक कबूतर के हिसाब से। बाकी अब आ गई है वायरस। वायरस बहुत ही बेकार चीज़ होती है, जब वायरस जब आता है ना भाई, कबूतर भी जाते हैं यार, वो जब कबूतर जाते हैं ना तो दिल बहुत दुखता है भाई। मैंने तो सोच के रख लिया हूँ अब आपके लिए अंधाधुन वीडियो बनाना है, कबूतरबाजी को लेते हुए, कबूतर की मेडिसिन को लेते हुए, बीमारी को लेते हुए, हर बार अलग अलग मेडिसिन, हर बार कुछ ना कुछ आपको बताने की भाई पूरी कोशिश करूँगा मैं। कि हमारे पास भी कमेंट बहुत आती है, ऐसी ऐसी कमेंट आती है कि बस मैं हर कबूतर में ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये बीमारी वो बीमारी है, तो मैं भाई पूरी कोशिश करूँगा कि आप पहले भाई रिसर्च कर लिया करो मेरे चैनल पे, पहले आप चेक कर लो, बीमारी का नाम लिखो, और फिर कोष्टक में मेरे चैनल का नाम लिखो, जैसे कि ये चैनल का नाम है सैयद वसीम, और मेरे दूसरे चैनल है कबूतर के, कोष्टक में नाम लिख दो, हो सकता है कि आपकी जो बीमारी ढूंढ रहे हो वो पहले से यूट्यूब पे मौजूद है, फिर आप इलाज करो। वहीं से आप समझ चुके हैं, अब मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, ये आप देख लो, टॉनिक देख लो, ये है जेड व केफ, ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी, जेड ओ केफ 100। ये फोटो आप अच्छे से देख लो, और ये 120 रुपये की बोतल आएंगी, 30 ml की। अभी जो डब्बा देख रहे हो इसमें दो आते हैं, दो सीसी आती है, दो सीसी किस तरीके से आती है, एक तो आएंगी पाउडर फॉर्म में, एक तो पाउडर आएगा और एक आएगा लिक्विड। तो आपको करना क्या है, जो एक लिक्विड आएगा उसके अंदर लिक्विड को खोल के उस पाउडर में डाल देना है, और अच्छा सा शेक करना आपको,
इस तरीके से शेक करना है कि पाउडर में पूरा लिक्विड मिक्स हो जाए, तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 30 ml का, 30 ml की वो टॉनिक आपकी बन जाएगी। अब करना है क्या है आपको, वो आपको ये सब कबूतरों को पिलाना है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 कबूतर के हिसाब से आपको लेना है 1 लीटर पानी, 1 लीटर साफ सुथरा पानी ले लो। कबूतर को पहले प्यासा रखना आपको, उसके बाद ही ये पानी पिलाना। 1 लीटर पानी में इसी का 10 ml डाल देना पानी के अंदर, ये लिक्विड जो आपने बना था ना पाउडर वाला, 1 लीटर पानी में डाल के कबूतर को प्यासा रखिए। पूरा कबूतर दिन भर पानी सामने रख ले देना, क्योंकि कबूतर पूरा पानी वो दिन भर में पी ले। इस शाम के टाइम में साफ सुथरा पानी आपको पिलाना है, और ये फिर आपको दूसरे दिन करना है, फिर तीसरे दिन करना है। 3 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि यार वायरस ख़त्म हो गया है। वायरस यानी धीरे धीरे आपके कबूतर में ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और अब आपको इसको जड़ से ख़त्म करना है, पूरे जड़ से। इंशाल्लाह हमारे कबूतर में अभी ऐसा वायरस देखने को नहीं मिले, तो आपको मालूम है 6 दिन पिलाना है, 6 दिन कंटिन्यू पिलाना है कबूतर को, जड़ से बीमारी ख़त्म, बिल्कुल जड़ से। 3 दिन में तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, बाकी फिर भी आपको 6 दिन पिलाना ही है, और इंशाल्लाह आपको 6 दिन में पूरा आपके जाल में वायरस पूरे कीटाणु ख़त्म, क्योंकि ये जो जेटोकैप है ना, ये वायरस बीमारी को ख़त्म करता है, वायरस बीमारी को मारने का काम करता है। अब आपके कबूतर में कोई से भी वायरस क्यों नहीं हो, आँखों की बीमारी, लखवे की बीमारी, झोले की बीमारी, स्प्रिंग टाइप की बीमारी, उसको मारने काम आता है। कबूतर को सूखे की मारने, सूखे की बीमारी में काम आता है, यानी भाई इसके फ़ायदे बहुत है। जहाँ आपके शरीर में जो भी बीमारी होगी, ये टॉनिक उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। और आपको ये 6 दिन कंटिन्यू पिलाना है रोज़, जिस तरीके से मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, उसी तरीके से आपको पिलाना है। बस शर्त ये है कि आपको उन कबूतर को प्यासा रखना होगा, और साफ़ सुथरी जगह पे रखना है, और उन कबूतर को धूप में बिठा के भी रखना आपको। धूप की हवा भी ज़रूरी है, और साफ़ सुथरी ताज़ी हवा भी उन कबूतर को ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह भाई कुछ ही दिनों में 101% जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, भाई मेरा वादा है आपसे। और भाई मेरा ये नया चैनल है, इसको भी आप सपोर्ट करें यार, दिल से सपोर्ट करें, घंटी कॉल करें। और एक कबूतर में कभी आँख की बीमारी है तो इसी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वही वीडियो की लिंक है, वहाँ से वो वीडियो भी देख के आपका वो कबूतर सही कर लेना, एक कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ। और भाई आप में रॉकी, अरे बेटा आ जा रॉकी, भाई देख लो मारा है रॉकी भाई। ये कबूतर को मैं ट्रेन कर रहा था, बाकी बिल्ली ने इसको मार दी थी, तो इसको भाई मैंने अपने कबूतर साथ में रख दिया। अभी जब से मैं वीडियो बना रहा तो मेरे आस पास ही घूम रहा हो कि बस मेरे गोदी में ले लो। तो बेटा रॉकी चलो बेटा जाओ यार, सो जाओ यार, आप भी आराम, आपकी तो मजे हो गई, अब कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। क्यों गई सही गलत, खाओ पियो मस्त रहो, जाओ आराम करो, जाओ हमको हमारा काम कर, जाओ उतरो ना, उतर जा बेटा, उतर ना, उतर उतर, नीचे जाने को नाम ही नहीं ले जा बेटा जा। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं और कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।